इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं खंड न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ सीके सिंह। घाटमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगभग 50 लोगों को दी गई कोरोना वैक्सीन। कोरोना महामारी से निपटने के लिए देश में ड्राई रन की शुरुआत कर दी गई है, जिसमें सरकार की तरफ से वैक्सीन यानी कोरोना टीकाकरण कराया जाना शुरू किया गया है, जिसके चलते कोरोना महामारी का दंश झेल चुके कानपुर को भी ड्राई रन के पहले चरण में लिया गया है। ACMO ने जानकारी देते हुए बताया कि ड्राई रन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारी पूरी है, जिससे शहर व ग्रामीण इलाकों को मिलाकर कुल 6 स्थानों पर टीकाकरण कैंप लगाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कानपुर नगर के कुल 6 जगहों में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल होना है, जिसमें ग्रामीण इलाकों में CHC घाटमपुर को भी केंद्र बनाया गया है और इसी तरह शहरी क्षेत्र में ग्वाल टोली और बैरी कल्याणपुर में कैंप लगाया गया है, जहां 300 लोगों को कोरोना बचाव के चलते वैक्सीन का डोज दिया जाएगा। इस संबंध में यह भी जानकारी से अवगत कराया गया कि डोज देने के बाद बुखार, सिरदर्द या फिर टीकाकरण के स्थान पर लालीपन के लक्षण हो सकते हैं, इसलिए जिनको वैक्सीन का डोज दिया जाएगा उनको आधा घंटा रोकने की व्यवस्था भी की गई है। वहीं कैंप में इस बात से लोगों को अवगत कराया गया कि डोज लेने के बाद कोविड नियमों का पालन करना, जैसे महामारी से ग्रसित होकर होम आइसोलेट होने के नियम थे, जिसमें सैनिटाइजर से हाथ धोना, सफाई रखना, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना बेहद जरूरी होगा। ऐसा 15 दिनों तक लगातार करना होगा। घाटमपुर से मोहित सिंह की खास रिपोर्ट। आज जो ड्राई रन की प्रक्रिया चल रही है, संपूर्ण प्रक्रिया से अवगत कराएंगे। मैं एडिशनल CMO डॉक्टर सुबोध प्रकाश। ये जो ड्राई रन चल रहा है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कानपुर नगर में 6 जगह स्टार्ट हुआ था, जिसमें घाटमपुर CSC भी है। और ड्राई रन में बेसिकली जो है मॉकड्रिल टाइप की एक एक्टिविटी है, जिसमें रिहर्सल हम सब लोग करते हैं कि जो वैक्सीनेशन जो फर्स्ट फेज में पैरामेडिकल डॉक्टर्स का जो स्टार्ट हो रहा है, उसमें हमें क्या क्या स्टेप में कैसे कैसे करना है, मैनेज करना है, वो स्टेप हम लोग अभी मैनेज कर रहे हैं उसको, कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो जिससे हमें कमियाँ अभी कोई निकलती हैं तो हम उनको दूर कर सकें। तो अभी यहाँ हमने किए है CSC कल्याणपुर में, जो ये घाटमपुर है, तो यहाँ पर व्यवस्थाएँ अधीक्षक ने बहुत अच्छे से कर रखी हैं, जिसमें 3 कक्ष आज आइडेंटिफाई करने थे, जिसमें पहला कक्ष था जिसमें मरीज को रजिस्ट्रेशन के लिए बैठाना है उनको, उसके बाद में टीकाकरण कक्ष था, और तीसरा कक्ष जो है वो जहाँ पर ऑब्जर्वेशन टीकाकरण के बाद रखा जाएगा, अगर कोई रिएक्शन वगैरह होती है तो देखने के लिए है। उसके बाद में AEFI मैनेजमेंट के लिए भी एक कक्ष बना हुआ है, जहाँ पर डॉक्टर्स ड्यूटी पर मौजूद हैं, अगर किसी कोई रिएक्शन होती है तो हम तुरंत उसको मैनेज कर सकें। तो बेसिकली ये स्टेप हैं जिससे हम लोग फैमिलियर थोड़ा हो जाएं, और जिसमें अगर कोई कहीं कमी अगर होती है, जो प्रैक्टिकल बीच में हम लोग जब स्टार्ट होगा वैक्सीनेशन तो उसमें कोई कमी अगर आती तो उसको हम इसमें दूर कर सकेंगे। तो क्या संपूर्ण मॉक ड्रिल के दौरान कुछ लोगों को सस्पेक्ट समझ करके उनको वैक्सीन भी प्रोवाइड कराने की मॉक ड्रिल की गई है? नहीं, वैक्सीन तो नहीं देखो नहीं गई है, सिर्फ एक स्टेप किया गया है, बाकी इसमें सारे स्टेप किए गए हैं। अगर किसी को रिएक्शन होती है तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, उसको ले जाने का तरीका, फीडिंग करना उसको जो है, और इसमें 100% उन्हीं को टीकाकरण होना जिनका ऑलरेडी लिस्टिंग में नाम है, रजिस्ट्रेशन है पहले से जो है। सियासी गलियारों से लेकर खेल के मैदान तक एंटरटेनमेंट के तड़के से लेकर कारोबार के उतार चढ़ाव तक मंदिरों में बजती घंटियों से लेकर दरगाह की नमाज तक जुर्म के दलदल के हर झूठ का करेंगे पर्दाफाश। यहां हर खबरें उगलेंगी, हर कातिल के राज खबरें नहीं, खबरों का सटीक विश्लेषण। क्योंकि आप देख रहे हैं अखंड न्यूज 24।